स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग एक फैक्ट की बात करते हैं कि आप सभी जानते हैं कि देयर आर फाइव वोवेल। सभी को मालूम है कि पांच वोवेल है। ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है और सेमी वोवेल दो हैं। दो सेमी वोवेल कौन कौन है? डब्ल्यू और वाई। तो जब जाके ये वोवेल और सेमी वोवेल रहे, कौन से अक्षर रहेंगे जब से उसके बाद सी के बाद तुरंत इनमें से, तो उसका उच्चारण क किया जाएगा या फिर उसका उच्चारण स किया जाता है। तो आप देखेंगे, फैक्ट को समझेंगे कि सी के तुरंत बाद अगर ई आई और वाई रहे तो उस सी का उच्चारण स होता है। यानी अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि सी है लिखा हुआ और सी से कोई वर्ड शुरू है और सी के बाद तुरंत ई रहे, है ना, या आई रहे या वाई रहे, क्या होगा? उस सी का उच्चारण स होगा। क्या होगा? स होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिलेंडर, साइकिल, सी टी सी आई टी वाई, सी आई वी आई एल सिविल, सी एन टी आर सेंटर, सी एन एस यू एस सेंसस। आप जानते हैं सिलेंडर का स्पेलिंग सी वाई एल आई एन डी आर हो गया, सी वाई सी एल ई साइकिल, सी आई सी सी आई टी वाई सी टी, सी आई वी आई एल सिविल, सिविल मीन्स आर्म, सी एन टी आर सेंटर केंद्र, सी एन एस यू एस सेंसस यानी जनगणना। ये सारे वर्ड में आप देखेंगे कि एक जगह सी के साथ आई आया, एक जगह सी के बाद जस्ट जो वाई आया और एक जगह सी के बाद जस्ट ई आया। तो हर जगह जो है सी का प्रोनाउंसिएशन जो हुआ वो स के तौर पे हुआ। यानी जिस तरह हिंदी के स लिखे जाते हैं उसी तरह स जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स से ही हुआ। लेकिन कभी कभी सी का उच्चारण क के तौर पर भी होता है। और क के तौर पर कब होगा? जब इनको छोड़ के, जो जैसे यहाँ पे सेमी वोवेल दो आर वोवेल पांच हो गए, तो इन तीनों को छोड़ के चार जितने बच गए उनके साथ जब भी होगा, मतलब सी के बाद जो वो लेटर आएंगे तो उसका उच्चारण क होगा। वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में इसके साथ कि मतलब कि क का उच्चारण कब किया जाएगा, किस परिस्थिति में सी का उच्चारण क के तौर पर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।